बट आई थिंक रोहित सर ने बहुत मोटिवेट किया है एंड द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, द काइंड ऑफ एनर्जीज ही हैज, ही इज वंडरफुल. तो मैं बिना जजमेंट के जाती हूँ कि इंसान मेरे साथ कैसा है, आई डोंट केयर वो दुनिया के साथ कैसा है, बट इट्स ऑल अबाउट कि मेरे साथ कैसा है. तो मेरे साथ आसिम बहुत अच्छे थे. आपको ना शो में जाने से पहले ऐसा लगता है कि हो जाएगा, हो जाएगा एंड वहाँ सिचुएशंस बहुत अलग होती है. हाय, दिस इज आदिति शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Aditi Sharma. So firstly, Aditi, how was your Khatron Ke Khiladi journey? I think it was beautiful, astonishing and once in a lifetime experience, as I'm sure everyone must be saying. Yeah. Because I think ऐसा experience आपको कहीं और नहीं मिल सकता. जी. Aditi, when you went for the first shoot, first location, how was that feeling? कितने सारे butterflies थे? I think I just felt like कि this is where I wanted to be for such a long time, because this was the show I really wanted to do and I am doing it. So it was very surreal and it felt like he, this is what I wanted to do. Thank God I'm doing it and just now do it. Because first stunt se hi itna difficulty level itna zyada tha. So I was like, you have to do it, you have to do it. You have to keep saying that in your head. Yes. कि तुझे ही करना था ना, अब कर, अब कर. बट जैसे कि आपने कहा सबको एक बार करना चाहिए. Correct. कितना मुश्किल भी था, बिकॉज हर एक स्टंट फर्स्ट टाइम था, बिकॉज इस बार सब न्यू स्टंट्स थे. तो आपके लिए कितना लर्निंग भी था वो चीज़? आई थिंक पिछले सीजन देखने का कोई फायदा नहीं हुआ. मेंटली भी कितना भी प्रिपेयर कर लो. मेंटली आई थिंक मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करने की कोशिश की थी, बट यू नेवर प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दिस शो. ऑनेस्टली सब कुछ इतना सडन एंड बैंग ऑन, एंड प्लस ऑनेस्टली आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है ना, आपका सेल्फ डाउट्स आपको वो कर रहे होते हैं कि कर सकती है नहीं कर सकती, देन फियर फंदे का प्रेशर, एलिमिनेशन का प्रेशर, किसी और कंटेस्टेंट ने बेटर परफॉर्म किया या नहीं किया उसका प्रेशर, देन यू हैव टू प्रूव योर फैंस, यू हैव टू प्रूव योर फैमिली. तो इतना प्रेशर हो जाता है ना that in the moment your fear becomes 1000 times bigger. Like होता ना, you keep, because of all these thoughts you keep feeding your fear and वो और ज़्यादा बड़ा लगता है honestly, जो मुझे लगा. और आपको ना शो में जाने से पहले ऐसा लगता है कि हो जाएगा, हो जाएगा and वहाँ situations बहुत अलग होती है. जी. क्या किससे अच्छी दोस्ती बनी है शो में? यार सबसे अच्छी दोस्ती हुई है ऑनेस्टली. मतलब सबके साथ एक अलग बॉन्ड है, क्योंकि हम सब, कोई जिम में हमेशा हम लोग साथ रहते थे, कोई बस में ज़्यादा साथ रहता था, कोई सेट पे ज़्यादा, तो ऐसा था. बट आई बॉन्डेड रियली वेल विद कृष्णा, निमृत, आशीष, नियति. तो ऑल ऑफ दीज पीपल, ऐसा नहीं कोई एक नहीं है जिससे बहुत बनी हो, बट सबसे बहुत अच्छी है. जी. जैसे कि हमने देखा प्रोमो में एक बड़ा झगड़ा हुआ है आसिम और अभिषेक के बीच में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स बाय नाउ, बट आसिम इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड अपैरेंटली वो बहुत स्वीट भी है. मतलब वो ऐसा तो ना एक गाइड या एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे एक्ट करते हैं. आप जब उनसे मिलो तो उनकी बातें आपको थोड़ी कुछ सेंस में आएंगी, कुछ लगेगा कि नहीं नहीं दिस इज नॉट मी, बट एट द सेम टाइम मेरी ठीक फ्रेंडशिप थी उनसे. बट व्हेन ही सेड सम थिंग्स लाइक, मैंने बिग बॉस फॉलो नहीं किया था, मुझे नहीं पता था वो कैसे इंसान है, तो और वैसे भी देखा भी होता तो मैं बिना जजमेंट के जाती हूँ कि इंसान मेरे साथ कैसा है, आई डोंट केयर वो दुनिया के साथ कैसा है, बट इट्स ऑल अबाउट कि मेरे साथ कैसा है. तो मेरे साथ आसिम बहुत अच्छे थे, बट आफ्टर दैट इंसिडेंट जो आई डोंट नो उनको क्या ट्रिगर किया ऐसा, क्योंकि हम सब उनके साथ ही थे, हम उनके लिए चीयर भी कर रहे थे, उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, एंड सडनली आफ्टर फ्यू स्टंट्स ही सेड सम रियली मीन थिंग्स लाइक सुअर का झुंड, यू नो तुम लोग झुंड में हो ये वो. सो दैट वाज वेरी ऑफेंसिव एंड वी ऑल वर अपसेट विद दैट ऑफ कोर्स. एंड आप शो में देखिएगा कि क्या क्या हुआ, बट आई मस्ट से कि अगर आप किसी को फालतू बोलोगे तो सामने से जवाब भी मिलेगा. ऑफ कोर्स अभिषेक ने उसको अच्छा जवाब दिया. जी. रोहित शेट्टी जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था व्हेन यू नो परफॉर्म दैट फर्स्ट टास्क जो उन्होंने समझाया था? बहुत इंसेन, मतलब इतना पॉजिटिव ऑरा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, उनको देख के ही ऐसा लगता था वाओ। थोड़ी नर्वसनेस भी होती थी बिकॉज एग्जैक्टली मैंने ऐसे ना कि रोहित सर को भी प्रूव करना है जी। सो इतना सारी चीजें आपके ऊपर बर्डन होती हैं तो आप थोड़े नर्वस कहीं ना कहीं हो जाते हो और ज्यादा डर जाते हो। बट आई थिंक रोहित सर ने बहुत मोटिवेट किया है एंड द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, द काइंड ऑफ एनर्जीज ही हैज, ही इज वंडरफुल। ओके, लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी कि नो बहुत सारे आपने दोस्त तो बनाए होंगे, बहुत सारे मेमोरीज बनाए होंगे, कौन सा एक मेमोरी है जो आपके लिए काफी ही स्पेशल है? यार ऐसे एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज है। एक पर्टिकुलर मेमोरी अगर मैं सोचूं तो आई थिंक हम टीम वीक चल रहा था एंड उसमें मैं और मेरी फ्रेंड्स अलग अलग टीम में थे। मैं और निमृत एक टीम में थे, वी कैन से, कृष्णा वाज इन अनदर टीम, शमोना वाज इन अनदर टीम, बट still we were there for each other, still supporting, still loving. So I think that was the best part about our whole team क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने supportive थे ना, so I really liked it. खतरों के बाद कोई चांस है for the Big Boss also? Definitely would love to do, but अभी मतलब फिलहाल ऐसा कुछ pipeline में नहीं है, but I would love to do. Big Boss is coming soon, by the way. Yes, yes. So let's see, you know what. But you want to give a chance for the Big Boss? I don't mind. मतलब खतरों मेरा first reality था, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इससे बहुत experience मिला। अच्छा मैंने खतरों पहले किया and then I'll be doing Big Boss if I ever do. तो पहले मैं बोलती थी कि नहीं बिग बॉस पता नहीं, बट नाउ आई थिंक आई विल गिव इट अ चांस इफ समटाइम आई एम फ्री एंड नॉट। Thank you Aditi and all the best for your new project also. Thank you.